नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। दवा से संबंधित जानकारी के लिए आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर। इस पे दवा से संबंधित जानकारी दी जाती है। किसी भी तरह की जानकारी दवा से संबंधित अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल के वीडियो पे संपर्क कर सकते हैं। आपको हर तरह की एलोपैथिक दवा के बारे में जानकारी दी जाएगी और मिलती रहेगी। तो आपको मैं आज बताऊंगा सनबर्न क्या होता है। सनबर्न मतलब सूर्य की रोशनी के कारण चेहरा लाल होने लगता है। किसी किसी को धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, जिसके आज मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको कि अगर आपको सनबर्न होता है, मतलब धूप में जाते ही आपका चेहरा लाल हो जाता है बिल्कुल, ये अधिकतर गोरे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और सूर्य की रोशनी लगते ही दोपहर में घर से निकलते ही अगर चेहरे पे कपड़े नहीं ढके हैं, कपड़े से चेहरा को ढके, तो उनका चेहरा लाल हो जाता है। तो धूप से एलर्जी, धूप में जाने पर चेहरा लाल हो जाना, जिसको कहते हैं सनबर्न। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें टैबलेट लिबोसिट्रिजिन, मतलब ब्रांड नेम आपको बताऊं, सेट फास्ट एल के नाम से आती है, 10 mg की टैबलेट आती है, जिसको आप रात में एक टैबलेट डेली ले सकते हैं, कंटिन्यू इसको खाइए। और कैप्सूल आइसोट्रेटिनाइन 20 mg का सॉफ्ट जेल कैप्सूल आता है, इसका भी यूज़ किया जाता है डेली, रात में खाना है इसको भी। और इसको खाने से आपकी त्वचा रूखी हो सकती है, खुरदुरी हो सकती है, ओठ फट सकते हैं, आपकी एड़ियाँ फट सकती हैं, आपके ओठ पे दरारे बन सकता है, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी, लेकिन इसको का यूज करते रहिए, अपने आप ये ठीक भी हो जाएगा। और आइसोट्रेटिनाइन कैप्सूल कंटिन्यू खाना है और रात में खाना है। इसके बाद आपको बताऊं, एक कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट को भी लेना चाहिए। अगर आपको सनबर्न है तो कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट को भी एक रोज सुबह नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं डेली कंटिन्यू, ये दिया जाता है। इसके बाद आपको ऑइंटमेंट के बारे में बताऊं कि अगर सनबर्न है, चेहरा धूप में जाते ही चेहरा लाल हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, गोरे लोगों को हो जाता है, बहुत सारी लड़कियों को होता है ये प्रॉब्लम, तो इसमें सैलिसिलिक एसिड 3%, 6% और हेलोबीटासॉल 5%, मतलब सैलिसिलिक एसिड 3% भी काम करेगा और 6% भी काम करेगा। 3% अगर धूप में जाने पे लाल कम चेहरा होता है तो 3% चल सकता है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सैलिसिलिक एसिड 6% का यूज किया जाता है, जिसको रात में लगाया जाता है। ये क्रीम होसोलेस के नाम से क्रीम आती है और इसमें हेलोबीटासॉल और सैलिसिलिक एसिड कम्बिनेशन होता है, जो कि हेलोबीटासॉल 5 mg होता है और 5% होता है और सैलिसिलिक एसिड 3% भी हो सकता है और 6% भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका धूप से एलर्जी कितनी है, चेहरा कितना लाल है, उस पर डिपेंड करेगा कि 3% दिया जाए या 6%। इसके बाद जेल क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड का क्रीम जेल आता है, इसका भी यूज किया जाता है सुबह शाम। और इसके बाद क्रीम वाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड लाइट लिक्विड पैराफिन की क्रीम आती है, जो बाजार में सोफीना क्रीम के नाम से आती है, इसका यूज रात में करना होगा। और इसके बाद सनस्क्रीन का भी यूज पर डे करना है आपको 3 बार, मतलब सुबह दोपहर शाम, सुबह को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे और शाम, मतलब सेकेंड मीटिंग में करना है 3 बजे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका चेहरा कितने परसेंट लाल होता है, धूप से कितनी एलर्जी है, क्योंकि मार्केट में सनस्क्रीन 15 SPF की आती है, 30 SPF की आती है और 50 SPF की भी आती है। तो ये डिपेंड करेगा आपका रोग कितना है और इसका डिसाइड करेंगे डॉक्टर या कोई रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट, आपका डोज के बारे में बताएंगे कि आपको कितना SPF की क्रीम लगाना है, कितनी बार लगाना है।
ये हुआ सनबर्न की प्रॉब्लम। अगर आपको है तो सनबर्न का ट्रीटमेंट, तो सनबर्न का पूरा ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है। अगर आपको चेहरे पे लालिमा हो जाती है, धूप में जाने के बाद चेहरा लाल हो जाता है, ज़्यादा लाल हो जाता है, तो आप कौन सा ट्रीटमेंट लेंगे, ये ट्रीटमेंट के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दिया। तो सनबर्न की पूरी जानकारी, अगर धूप में आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने से मत करिए, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाइए, इसके बाद सलाह ले लीजिए डॉक्टर से, इसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवाघर, और मैं डॉक्टर उपेंद्रनाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो ये हुई सनबर्न से जानकारी। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसे कि मैं आपको समय समय पे जानकारी दवा से संबंधित देता रहूं। धन्यवाद, जय हिंद।